When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? सर्कल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीका से सर्कल बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला होता है वो होता है सेंटर एंड रेडियस या सेंटर एंड डायमीटर। अच्छा, रेडियस एंड डायमीटर में डिफरेंस क्या है ये पता है आपको? आपको पता है रेडियस अगर 10 हो तो डायमीटर कितना होगा? रेडियस अगर 10 हो तो डायमीटर डबल होता है, डबल होता है, ठीक है। रेडियस 10 है तो डायमीटर 20 होगा, ठीक है। अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 होगा। अच्छा, वो माइनस आ गया, वो हाफ हो गया ना। डायमीटर हमेशा रेडियस से डबल काउंट होगा। हाँ, तो इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा आप समझ लें। अगर ये एक सर्कल है तो जाहिर है कोई भी राउंड चीज़ होती है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके सेंटर से इसके एज तक डिस्टेंस जो होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो इसके एज से एक तरफ से शुरू करें लाइन और सेंटर से गुजार के दूसरी तरफ ले जाएं, तो इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये डाया होता है, ठीक है। रेडियस से डायमीटर हमेशा डबल होगा। तो इसमें आप रेडियस भी दे सकते हैं सर्कल को, डायमीटर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट बताना है, फिर आपने सर्कल की रेडियस या डायमीटर को डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास पहला सर्कल है, यानी कि ये सर्कल की कमांड है। इसके साथ ये छोटा एरो है, अगर इस पर क्लिक करें तो ये पूरी टूल बार है, तो वो हमने पहले ही बाहर निकाल के रख लिया, ठीक है। ये क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये सर्कल बना रहे हैं। तो ये इसका सेंटर होगा, ये जो पॉइंट है ना ये सेंटर होगा। अब इसको कंस्ट्रेंट के साथ क्लिक करेंगे तो ये डी लगाया, तो ये इसका मतलब ये डायमीटर है इसका। डबल क्लिक करके अगर मैं डायमीटर इसका शो करता हूँ तो रेडियस कितना होगा? 50। अब फिर मैं एक सर्कल लगाता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, डायमीटर भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे पाइप क्लिक करने के बजाय राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके तो ये रेडियस की ऑप्शन होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप, ये सेंटर से काउंट हो रहा है, वो टूट जा रहा था ये सेंटर से। तो इसका रेडियस मैं रख देता हूँ 60, तो इसका डायमीटर कितना होगा? 120 हो जाएगा। अब ये वाइट है, क्यों वाइट है कि इसका अभी हमने सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताया कि ये सेंटर से एक्स और वाई की निस्बत कितनी दूर है, ठीक है। उसके लिए हम अभी जेड हमने यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये सेंटर से बेशक इसको काउंट कर लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हाँ फिर भी बता देगा। ये देखें एच और हॉरिजेंटल, एच और वर्टिकल, तभी ग्रीन हो जाएगा। अब इसमें यह है कि वो इसके ये वाले एच को काउंट करेगा, तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर ये 11.6 और इसमें 60 ऐड करेंगे तो ये टोटल 71.6 हाइट पे होगा इसका सेंटर। तो इसका सेंटर इधर से दूसरी तरफ कितना होगा? 215 और 60 275.019 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने सेंटर से कैलकुलेट किया हुआ, ये एक्स के सेंटर से हाँ, ये सर्कल हमने सेंटर से काउंट किया जीरो से और ये एज वाइज काउंट कर लिया हमने जीरो से। अब इसके बाद अगर हम सर्कल बनाते ही जीरो पे हैं, ये जीरो पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, तो इसको जस्ट रेडियस या डायमीटर आपने देना है, वो ग्रीन खुद ही हो जाए क्योंकि ये जीरो पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको दूसरी डिमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सिंपल हमारा सर्कल जो सेंटर से रेडियस या सेंटर से डायमीटर के निस्बत से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर सर्कल है वो है थ्री पॉइंट सर्कल। कौन सा है थ्री पॉइंट? थ्री पॉइंट क्या होता है कि हमने मैट्रिक में पढ़ा होगा
शायद आपको याद है कि नहीं, हम एक मुसलस बनाते थे, ठीक है, कोण, ठीक है, ट्राइंगल एक बनाते थे, फिर उसका हम एक ऐसा सेंटर पॉइंट निकालते थे प्रकार की मदद से, जिसके ऊपर प्रकार रख के उसका जो पेन का सिक्का है, यानी कि वो लेड पेंसिल का, वो एक पॉइंट तक खोलते कि मुसलस के किसी एक पॉइंट तक खोल के जब घुमाते थे तो तीनों पॉइंट को टच करता था, ठीक है। तो इसमें हमें सेंटर पॉइंट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये थ्री पॉइंट वाला सर्कल पकड़ें तो इसके ये पॉइंट 1, 2 एंड 3 खुद ही मेजर कर, वो खुद ही मेजर कर लेगा, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बनता है, ठीक। ये कैसे काउंट होता था कि ये हम इनके जो रेडियस और ये एजिस वगैरह का हाफ निकाल देते तो फिर उससे हमारा वो बनता था, ठीक है। ये है थ्री पॉइंट सर्कल, इसके बाद थ्री पॉइंट के बाद है ट्राई टेंजेंट होता था, फिर हम उधर ही एक ट्राइंगल के साथ उसका एक ऐसा पॉइंट निकालते थे कि उस पॉइंट के ऊपर आर्क रखे, जब हम उस आर्क को घुमाते थे तो वो इसके तीनों पॉइंट को जो है ना तीनों एजिस को टच करती थी, उसको बोलते हैं ट्राई टेंजेंट। वो ये है ट्राई टेंजेंट, तीन टेंजेंट, इस पर क्लिक करें, 1, 2, 3 ये तीनों को टच करता हुआ था, वो बाहर वाला थ्री पॉइंट वाला था, ये अंदर टच करने वाला ट्राई टेंजेंट। टेंजेंट किस चीज़ को कहते हैं? टेंजेंट अभी आपने बस ये याद रखना है कि टेंजेंट किसी चीज़ को छू के गुजरना जो होता है ना उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को छू के गुजर जाना उसको टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद टेंजेंट ये चीज़ भी है, जैसे ये चेयर है ना, तो इधर से शेप आ रही है ना इस तरफ को, तो इधर से घूम के नीचे की तरफ, तो इसमें शार्पनेस नहीं है, या इधर से आप ऐसे जाते हैं तो ये शार्पनेस नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ये देखें, आप इधर से जब इस तरफ को बेंड करते हैं तो ये शार्पनेस है, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट है चीज़। मार्टोन के अंदर वो जो जना शेहन हॉस्पिटल जो के अंदर, जना हॉस्पिटल से आगे गली के अंदर जंप बना हुआ था इसी दौर में, उसके ऊपर से गाड़ी आप 100 की स्पीड से भी गुजारते थे ना, गाड़ी हवा में नहीं जाती थी, वो जंप आता था ऐसे रोड से बिल्कुल ऐसे बड़े आराम स्मूथली ऊपर उठता था, फिर स्मूथली नीचे उतर जाता था। मोटरसाइकिल हो कार हो, उसके ऊपर वो एकदम से जो होता है ना झटका नहीं लगता था, तो वो असल में टेंजेंट के साथ बना। वो हमारे जो आम स्पीड ब्रेकर होते हैं ना टेंजेंट ही होते हैं, ये रोड आ रहा है इधर से एकदम से ऐसे उठते हैं और एकदम से ऐसे, एक तो हाइट ज़्यादा और एकदम से जब टायर आता है ना तो उसको स्पेस नहीं मिलती, वो ऐसे आगे पहले टक्कर लेता है फिर ऊपर की तरफ उठता है, तो वो झटका लगता है, उससे ख़राब होती है बाइक भी, ख़राब होती है गाड़ी हो वो भी ख़राब होती है। लेकिन अगर जहाँ पे ऐसे बिल्कुल स्मूथली ऊपर उठे और बिल्कुल स्मूथली नीचे चला जाए तो वो आपको झटका नहीं देगा, यानी कि जंप और रोड के दरमियान रेडियस जो है वो इतना होना चाहिए कि आपके टायर से बड़ा अगर होगा तो झटका नहीं लगेगा, आपके टायर के डायमीटर से छोटा होगा तो झटका लगेगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट इस चीज़ को कहते हैं कि स्मूथनेस के साथ किसी चीज़ को आपने बेंड दे के तो मोड़ लिया तो उसके अंदर शार्पनेस नहीं आई, इसको टेंजेंट कहते हैं। ये जो रहती है ना ये टेंजेंसी होती है, ये एक तरफ ये स्ट्रेट एरिया आ रहा है आगे राउंड लगा दूसरी तरफ फिर स्ट्रेट हो गया तो इसमें शार्पनेस नहीं आएगी, ये इधर शार्पनेस आ रही है तो ये जो है ना इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये ट्राई टेंजेंट सर्कल, तो ट्राई टेंजेंट सर्कल लगा के आप या थ्री पॉइंट सर्कल लगा के तो इसका रेडियस डायमीटर वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है, अगर आपने ट्राई एंगल बना के उसको डिमेंशन दे के ग्रीन किया हो तो ये सर्कल भी ऑटोमेटिकली ग्रीन आ जाएगी। बनाना कि जब काम इस तरह का आएगा कि हमारे पास तीन पॉइंट्स होंगे हमें एक सर्कल लगाना होगा तीनों को टच करेंगे, इसी जो पिक्चर चल रही है इसको हम 3D करेंगे फोटो कैसे करेंगे वो बाद में जब नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएगा ना उधर वो 3D में चला जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना सर्कल वो ये हमने तीसरे नंबर वाला छोड़ दी, वो ट्राई एंगल ग्रीन जब होगी ना आप ट्राई एंगल जो बनाएंगे उसको ग्रीन करेंगे बेसिकली, ठीक है। ये जो ट्राई एंगल है लेंथ ले लें, उसके बाद इसके एंगल ले लें, यहाँ से यहाँ तक लेकिन जगह पर कनेक्ट है नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके
पॉइंट को हम जीरो से डिफाइन कर लेते हैं। डिमेंशन दे दी हैं तो वो ऑटोमेटिकली एंगल में एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपने तीनों को अजला को नहीं दिया हुआ तो फिर आप डिग्री देंगे। तो ये ग्रीन है, आप नहीं इधर जी देखिए, ये तो तीन है ना, यानी कि तीन पीसेस हैं। तो ये एक्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हां जी, ये तो एक्स वाई बता रहा है ना। हां ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इसको जीरो से बता दिया ना कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कितनी दूर है, ये कहां से दूर है, यानी कि उस पॉइंट से, ये जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से कितनी दूर है वो हमने काउंट किया ना। ये देखो ये डिमेंशन हमारी यहाँ तक आ रही है, ये वो इसकी लेंथ लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काउंट हो गया इसके मुताबिक। ये वाला कितनी दूर है ये देखें, जब ये हमने काउंट कर लिया ना, काउंट कर लिया तो उसके बाद हमने इसको एक डिग्री दी और डिग्री के मुताबिक लेंथ दे दी, ठीक है, उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इसको खुद ही कैलकुलेट करके अपने अंदर सेव कर लेगा। अगर आपने चेक करना है तो बेशक चेक कर लें इसको कि इसकी क्या बन रही है, वो इस पॉइंट की लेंथ क्या बन रही है। ये आ गई, लेकिन पर्पल इसलिए हो रहा है, वो कह रहा है जी इसका मुझे ऑलरेडी ओके है। अब ये ट्राइंगल ग्रीन है तो इसके ऊपर जब हम सर्कल में आएंगे, ट्राइटेनियन बेशक हो या थ्री पॉइंट हो, वो ग्रीन होगा, ठीक। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो हमने जो छोड़ के फोर्थ नंबर वाला ट्राइटेनियन कर लिया, थर्ड नंबर वाला है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट। इसमें क्या है कि इसमें आपने पहले ही उसको बता देना सारा कुछ कि मैंने उसका रेडियस सर्कल का ये रखना है, डायमीटर ये रखना है, उसको एक्स में इतना फासला देना, वाई में इतना देना है। यानी कि इस पर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल एक्स आ गया, इसको 75 कर देते हैं, वर्टिकल 50 और रेडियस उसका मैं रख देता हूँ 25। यानी कि वो रेडियस ही होगा, डाया होगा 50, डाया 50 हो जाएगा, ओके करें, सर्कल लग जाएगा। तो उसको ऑटोमेटिकली डिमेंशन भी दी होगी, रेडियस 25, ठीक है, वर्टिकली हमने 50 का डिस्टेंस दिया था वो 50 हो गया, और हॉरिजॉन्टली हमने जीरो तो आप जीरो जीरो कर दें उसको, वो डायरेक्ट वाला यूज करेंगे, ये जीरो जीरो और ये 25 की बजाय आपने 15 रखना है रेडियस, तो ये जीरो पे आ जाएगा, ठीक है, ये सर्कल हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आर की, सर्कल के कुछ हिस्से को आर बोलते हैं, यानी सर्कल को काट के आधा कर दें, चौथा हिस्सा कर दें, दसवां हिस्सा कर दें, 3/4 हिस्सा कर दें, जितना भी, यानी कि सर्कल बेशक थोड़ा सा क्यों ना कटा हो, यानी कि इतना सा ये बिल्कुल थोड़ा सा भी कटा क्यों ना हो तो वो बाकी का ऐसा आर्क ही काउंट हो। तो इसमें तीन किस्म की आर्क है, पहली है थ्री पॉइंट वाली आर्क। थ्री पॉइंट में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट देते हैं, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, एक ये आर्क इसमें यूज होती है। दूसरी आर्क ये सबसे ज़्यादा यूज होती है इसमें, इसमें क्या होता है फर्स्ट एंड एंड मिड पॉइंट, ठीक है। अब दोबारा देखें, पहले वाली क्या थी, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, तो दूसरी वाली में क्या है, पहला आखिरी और मिड वाला पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट खुद आ गया कि आपने क्लिक किया हुआ, वो मैंने क्लिक कर दिया ना, तो उसके मुताबिक उसकी जो भी रेडियस बनता होगा वो कैलकुलेट कर, यानी कि जैसे वो कंपास को यहां पे यहां रखते ऐसे राउंड करते, हां जी वो चीज वही हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है ना वो है आर्क सिंपल, यानी कि ये क्या है कि आप पहले क्लिक करें तो सेंटर काउंट होगा, ये सर्कल बन रहा है, फिर जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ से आपका ये आर्क घूमना शुरू हो गया, जहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे वहाँ तक ये चले। तो ये वैसे इसमें यूज़ नहीं होती, ये है कि आपने एक सर्कल ड्रा करना है और उसको फिर चलाना है आपने कितना रखना है। तो ये वैसे प्रैक्टिकली फील्ड में ये आर्क यूज़ नहीं होती, पहले वाली दो यूज़ होती हैं, और पहले वाली दो में से फर्स्ट एंड और मिड पॉइंट वाली ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो ये थी आज हमारी आर्क, आज हमारी कंप्लीट हो गई, यानी सर्कल और आर्क कंप्लीट हो गया। अब कल हम कुछ चीज़ें और स्टडी करेंगे, फिर हम ये वाली चीज़ें बनाना मैनुअल सीखेंगे, पहले एलोंगेटेड होल, फिर इनको ऑटो बनाना सीखेंगे।